हरे कृष्णा। तो जन्माष्टमी के बाद आज सठी है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिवस से आज 6th डे है। आज के दिन जो माताएं हैं, अगर उनका कोई बच्चा जन्म लेते हैं और फिर या उनके बच्चे की भलाई के लिए भी कई माताएं जो है व्रत भी करती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम हमारे बच्चे के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो एक्चुअली अगर भगवान के प्रति समर्पित होकर नहीं करते हैं तो बंधन का कारण बन जाता है, अर्थात हम मोह में बन जाते हैं और फिर बार बार हमें इस भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिवस मनाते हैं या भगवान की जैसे आज छठी है तो पूरे वृंदावन में भी उत्सव जैसा माहौल है, तो उसमें अगर हम भगवान के छठी के दिन जो लीलाएं हुई थी उसके बारे में चर्चा करते हैं तो हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है तो ये कंस को पता चल जाता है, क्योंकि देवी जो अष्टभुजा देवी है जिनको नंद महाराज के घर से वसुदेव लेकर आए थे, वो उनको मारने की कोशिश करते हैं कंस, तो वो आसमान में उड़कर प्रकट होकर दर्शन देकर कहती है कि तेरे को मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। तो वही कथा जो पुतना वध होता है आज के दिन, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। तो ये श्रीमद्भागवतम के 10th स्कंध में है कि भगवान श्री कृष्ण जो वीरता दिखाते हैं वो उनके 6th डे से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जो कंस है, है तो कृष्ण के मामा पर असुर ही थे, क्योंकि आसुरिक उनकी प्रवृत्ति थी। ऐसा नहीं कि इस भौतिक संसार में किसी का सिंह निकल आएगा तो वो असुर कहेगा या आंखें लाल लाल होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी प्रवृत्ति से ही हम असुर बनते हैं या देवता, देवता सदृश पुरुष या देवी सदृश स्त्री ऐसे कहते हैं ना हम लोग, तो हमारे गुणों के अनुसार हम बनते हैं। तो कंस आसुरिक थे, और इतना आसुरिक थे, आप सोचिए कि कंस के अंदर थे ये सब पुतना, अघासुर, बकासुर, जितने भी असुर थे, जितने भी पावरफुल असुर थे, कंस ने उनको मुट्ठी में रखा हुआ था। तो आप सोचिए कि कंस कितने पावरफुल असुर थे। तो कंस को जब पता चला, अच्छा, तो ऐसी बात है, तो मैं कैसे पता करूंगा कि कहाँ जन्म ले चुका है, लेकिन देवी ने अभी कहाँ जन्म ले चुका है तो ज्यादा दिन नहीं हुआ है। तो जो नवजात शिशु है उनको मारने के लिए वो पुतना को नियुक्त करते हैं, और पुतना एक भयंकर राक्षसी है जिसको काला जादू भी आता है। तो वो क्या करती है, वो शिशुओं को मारने में एक्सपर्ट है, जैसे बोलते हैं ना डायन है, तो एक्सपर्ट है वो। तो उसको इसलिए अपॉइंट कर दिया कंस ने कि सारे बच्चों को मार डालो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसा आप सोचिए, एक असुर और एक देवता में ये अंतर है कि देवता जो है किसी का भी हानि नहीं करना चाहेंगे, ऐसे छोटे बच्चों को मारना, निर्दोष बच्चों को, लेकिन कंस को नहीं उससे वो था। तो क्या होता है, हम देखते हैं जब प्राण में आ गया कंस, तो बहुत धूमधाम से द्रौपदी देवकी का जो
रथ खुद हाँक के ले जा रहे थे ना, अपनी कजिन सिस्टर है। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी हुआ, और आकाशवाणी क्यों हुआ, क्योंकि देवता लोग घबरा गए थे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो है कि हम अवतार लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो जाए कंस का इतना प्रेम देखकर देवकी के प्रति, वसुदेव के प्रति, ऐसा ना हो जाए कि कृष्ण अपना प्लानिंग बदल दे, क्योंकि कृष्ण भक्त वत्सल है। कृष्ण की सेवा करने से कृष्ण जितना प्रसन्न होते हैं, उनके भक्तों की सेवा करने से तो वो डबल प्रसन्न होते हैं। तो कंस का हो सके सारा पाप माफ कर दे कृष्णा, और कंस को मारने का प्लान कैंसिल कर दे। तो इसी डर से देवता लोग आकाशवाणी, मतलब ये नहीं कि आकाश बोल रहे हैं या कोई मनुष्य छत से बोल रहे होंगे या कोई ऐसा भ्रम पैदा किया, ऐसा नहीं है। आकाशवाणी का मतलब आकाश के पीछे छुप कर कोई बोल रहे हैं, और कौन बोल सकते हैं, तो देवता लोग बोल सकते हैं। ऐसे मनुष्य तो जाके आसमान में उड़ के नहीं बोल सकते हैं, बोले भी तो उनकी आवाज़ ही नहीं पहुँचेगी। तो आकाशवाणी होते ही इन्होंने देवकी का बाल पकड़ के तलवार से गला काटने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति माना जाता है। लेकिन आप देखिए, द्रोणाचार्य के केस में, द्रोणाचार्य एक उत्तम जो है ब्राह्मण है, धनुर्धर विद्या सिखाया अर्जुन और सब पांडव कौरवों को, और जब द्रुपद ने यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया द्रोणाचार्य को मारने के लिए, क्या द्रोणाचार्य को पता नहीं था? पता था, लेकिन जब द्रुपद अपने बेटे धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के अंदर ही ट्रेनिंग कराने ले आया, तो द्रोणाचार्य ने बोला कि ठीक है मैं ट्रेनिंग करा दूंगा, एक्सेप्ट किया। उनको पता है कि इसी के हाथ मेरा मृत्यु होगा, फिर भी तो ये देवता सदृश व्यक्ति का हुआ, उनको मालूम है। वो तो धृष्टद्युम्न को मार सकते थे, उनको तो नहीं आता था कुछ भी, है ना, कुछ भी नहीं आता था उस समय, धनुर्विद्या सीखने आए थे या लाइक दैट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नंद महाराज जो है कर 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 देने के लिए जाते हैं, क्योंकि कंस जो है राजा है, तो मथुरा के अंदर ही सारा वृंदावन गोकुल सब कुछ आता है। तो उस समय वृंदावन में नहीं थे, उस समय गोकुल में थे। गोकुल से बाद में शिफ्ट करते हैं, जब इतने सारे असुर आते रहते हैं तो सब लोग मिलके कृष्ण के लिए ऐसे शिफ्ट करते हैं। तो नंद महाराज कर अदा करने, कर देने के लिए कंस को गए हुए थे, और ये भी उनमें उत्साह था कि एक प्रकार से उपहार देने जाना चाहिए राजा को, क्योंकि इतने साल बाद पुत्र संतान उत्पन्न हुआ है। तो नंद महाराज जब गए थे तो वहाँ पे वसुदेव और देवकी तो जेल में थे, लेकिन जैसे ही देवी ने बोला कि तुमने तो निर्दोष वसुदेव देवकी को ऐसे ही कष्ट दे रखा है, तो कंस ने उनको मुक्त कर दिया डर से थोड़ा, कि और मेरा वो ना हो जाए कुछ, तो मुक्त कर दिया। तो वसुदेव से नंद महाराज मिल पाए, तो जब मिल पाए तो वसुदेव ने चेतावनी दिया, क्योंकि वसुदेव को पता है कृष्ण है, तो बोलते हैं कि आप यहाँ ज्यादा देर मत रुकिए नंद महाराज जी, आप घर जाइए, हो सकता है कुछ उत्पात मचाए कंस या कोई असुर वगैरह उत्पात मचा सकते हैं। तो ऐसे तो फिर नंद महाराज भी निकल गए, और रास्ते में विचार कर रहे थे कि हाँ कुछ उत्पात हो सकता है, क्योंकि वसुदेव जो है कभी असत्य नहीं बोलते, और बहुत ही चरित्रवान है, उनका सलाह भी बहुत वैल्यूएबल है। कुछ लोग ऐसे ही बहुत बोलते रहते हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग जो बोलते हैं वो बहुत वैल्यूएबल होता है। तो इसलिए वो सोच रहे थे कि अवश्य ही कुछ सच्चाई है इनकी बातों में, क्योंकि वसुदेव तो ऐसे ही नहीं बात करते। तो इसलिए डर के मारे वो भगवान के शरण लेने लगते हैं नंद महाराज, क्योंकि जब भी भक्त के जीवन में कोई भी संकट आता है तो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। तो हम द्रौपदी के केस में भी देखते हैं, जब उनका संकट आया, किसी ने मदद नहीं किया, वस्त्र हरण हो रहा था, तो कृष्णा का, गोपीजन बल्लभ का शरण ग्रहण किया, और जब गजेंद्र के सामने संकट आया तो भी भगवान का शरण ग्रहण किया। गोप बालक ब्रजवासियों के में जो संकट आता है तो लोग कृष्ण का ही शरण ग्रहण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि तुरंत शरण ग्रहण किया मन से, नंद बाबा आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, और
जैसे कोई बच्चा होता है तो अपने बच्चे का कोई भी कुछ भी अगर ऐसा होता है गड़बड़ तो मम्मी पापा के पास जाता है, मम्मी पापा के शरण ग्रहण करते हैं। तो ऐसे भक्त का ये स्वभाव है कि वो कृष्ण के शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान के चरणों से ज़्यादा सेफ और कहीं भी नहीं है। तो कंस जो है अपने मंत्रियों से मंत्रणा किया कि देखो देखो मैंने ऐसे मारा, सारे बच्चों को मारा, लेकिन ये अस्त वाला जो था वो बच्चा लड़का नहीं था, वो एक लड़की थी, तो मैंने उसको मारना चाहा तो ऐसे उड़ के देवी बन गई, अब क्या करना चाहिए। तो सब जो असुरों के मंत्रणा करना करने वाले जो काउंसिलर्स थे, मंत्री थे, वो बोलते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को नृशंसता पूर्वक मारने वाले एक दायन है पुतना, वो इंद्रजाल जानती थी। तो उनको आदेश दिया फिर कंस ने कि जाओ शहरों में, गांवों में, चरागाहों में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया उनको मार दो। तो ये जो दायन है ऐसे ये लोग इंद्रजाल जानते हैं। आपने देखा होगा कई बार बच्चे बच्चे जन्म लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अचानक से वो तबीयत खराब होते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो उसको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाता है, श्रील प्रभुपाद जी जो है बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का पवित्र नाम कीर्तन और श्रवण निरंतर होते रहना चाहिए। तो वहाँ पे जो है वो इंद्रजाल नहीं फैला पाते, कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे पनप नहीं पाता है जहाँ भगवान के नाम संकीर्तन होता रहता है। कहा जाता है कि जहाँ कहीं कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, भले ही वो कीर्तन आपने बहुत हृदय से नहीं भी किया है, क्योंकि हृदय से करने का मतलब है कि भक्ति में प्रगत भक्त होंगे तभी हृदय से कर पाएंगे, और 24 घंटा नहीं भी कर पा रहे हैं। मान लीजिए कोई उपेक्षा से ही कर रहे हैं, मन कहीं और है, मुंह में हरि नाम है, तो भी वहाँ से बुरे तत्व जैसे डायन, भूत प्रेत, संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता है, ये तो उपेक्षा से किया जाता है, तो भी भाग जाते हैं, और अगर गंभीरता पूर्वक हुआ तो क्या होगा, तो फिर वहां पे कैसे हो सकता है। तो वृंदावन में तो बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान का निरंतर नाम संकीर्तन होता रहता है, तो इसलिए वहां पे तो पुतना के जीतने का कोई चांस ही नहीं था। इसलिए नंद महाराज के सारे संदेह जो था वो इसलिए था क्योंकि नंद महाराज कृष्ण से बहुत प्रेम करते, कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण वो कृष्ण के प्रति चिंतित थे, क्योंकि कृष्ण का नाम जब इतना प्रभावशाली है तो स्वयं कृष्ण का कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन नंद महाराज फिर भी पुत्र प्रेम के कारण चिंतित थे। तो वास्तव में पुतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से इसलिए कोई डर नहीं था, लेकिन वो ऐसे दायन थी जैसे कुछ दायने होते हैं वो खेचड़ी कहा जाता है, खेचड़ी, खेचड़ी मतलब आकाश में उड़ सकती है। और आज भी प्रभुपाद कहते हैं आज भी कुछ स्त्रियां हैं भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिम भाग में, वो लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसे कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं ये सब भी। तो वो लोग वृक्ष के शाखाओं में बैठकर एक स्थान से दूसरे जगह आ जा सकती है। तो पुतना को ये सब इंद्रजाल पता था और इसलिए भागवत में उसे खेचड़ी कहा गया है। पुतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। कैसे, बहुत फर्स्ट क्लास पर्सनालिटी बनकर, मतलब इतना सुंदर रूप धारण किया, किसी भी रूप को धारण कर सकती है, इतना सुंदर वस्त्र, इतना सुंदर आभूषण, परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में घुस गई। और वो जब ब्रज में घुसी, मतलब ब्रज में मतलब जब गोकुल में घुसी, तो जब वो चल रही थी तो सब लोग देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या कृष्ण से मिलने कोई स्वयं लक्ष्मी देवी तो नहीं आ गई है, इतनी सुंदर स्त्री हमने नहीं देखा, और कोई रोक नहीं रहे थे उनको इसलिए।
बहुत सुंदर लग रही थी वो, और उनकी जो आकर्षक चितवन था, मंद मुस्कान था, वृंदावन वासी मोहित हो गए। और भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वो हाथ में कमल पुष्प धारण की, क्या वृंदावन में साक्षात लक्ष्मी जी आई है? हाथ में कमल पुष्प था तो ऐसा लगा कि शायद लक्ष्मी देवी अपने पति को देखने, कृष्ण को देखने आए हुए हैं यहाँ पे, ऐसा उनको लगा। उसके बाद जो है उनको रोकना, ऐसे तो कोई भी अनजान व्यक्ति आते हैं, गांव में घुसते हैं तो कोई ना कोई पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, क्या चाहिए, किससे मिलना है, या मान लीजिए गांव में नहीं पूछा लेकिन यशोदा माता के घर में तो पूछना चाहिए था ना कि आप कौन हैं, क्या काम है, कृष्ण से मिलना चाहते हैं, तो लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे किसी ने नहीं रोका पुतना को, क्योंकि वो इतना सुंदर रूप धारण करके आ रही थी, उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने नहीं रोका। अतः वो बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। और उन्होंने देखा बहुत बालकों को मार चुकी है ना वो, तो बालक कृष्ण को मारने गई थी वो, तो फिर बालकों को वध करती थी, तो वो जब देखा पालने में कृष्ण सो रहे हैं, तो एक तो सबके अंदर एक इंट्यूशन होते हैं, तो पुतना तो ऐसे भी बहुत सारी शक्तियों का वो जानती थी, विद्या जानती थी, तो उसको तुरंत ऐसा भान हो गया कि ये बालक जो है ये कोई साधारण बालक नहीं है जो मैं हमेशा मारती रहती हूँ, ये कोई बहुत शक्तिशाली बालक है और क्षण भर में ये ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। वो समझ गई कि ये बालक जो है अत्यंत बलशाली है। अब देखिए यहाँ पे पुतना की समझ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, और आवश्यक बुद्धि जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने का या भौतिक संसार में भी आगे बढ़ने के लिए, जो लोग सोचते हैं मेरा क्रेडिट है, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, नहीं, वो कृष्ण का बुद्धि है, कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं, वो स्मृति और विस्मृति कराने वाले हैं। तो पुतना को तुरंत पता चल गया इसलिए, क्योंकि पुतना के हृदय में भी परमात्मा बैठे हुए हैं, तो उनको भी आभास हो गया कि ये शायद साक्षात भगवान है, इतना पावरफुल कैसे, ऐसा कैसे लग रहा है, नन्हे बालक लग रहा है लेकिन बहुत शक्तिशाली लग रहा है, लेकिन काम करने जो आए हैं वो तो करना ही पड़ेगा, कंस का आदेश है, राजा का आदेश है। तो पुतना जो अघासुर बकासुर की बहन थी, और वो अपने स्तन में विष लगाकर आई थी ताकि बच्चे को विष पिला के मार सके। तो आप देखिए जो पुतना है, हर एक असुर ना किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो पुतना है वो रिप्रेजेंट करते हैं पाखंडी गुरुओं का, जैसे जो गुरु धर्म का नियम पालन नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन धर्म को व्यापार बना के रखा है ताकि लोगों का ध्यान आकृष्ट कर सके और आराम से जीवन व्यतीत कर सके, ऐसे पाखंडी गुरु को प्रतिनिधित्व करते हैं ये पुतना का रूप। जो पाखंडी गुरु है वो बाहर से एकदम, उनका ड्रेस, उनका हाव भाव, उनका पर्सनैलिटी, ऐसा लगेगा कि वाह कितने बड़े आध्यात्मवादी है, लेकिन अंदर से वो क्या होते हैं, कपट से भरे होते हैं, शिष्यों को वो भगवत धाम नहीं लेके जा सकते हैं, फिर भी बोलेंगे ले जा सकता हूँ, थोड़ा सिद्धि सीख लेंगे फिर बोलेंगे मैं भगवान हूँ। तो उन गुरुओं को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे पुतना। तो इसलिए हमें चमक धमक देखकर किसी को भी गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए कि इतने सुंदर है, दिव्य लगते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि वो प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय से है भी कि नहीं है, परंपरा से है भी कि नहीं है, वो देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो शुरुआत में ही देखने की बात है, अगर आप किसी गुरु के उसमें फंस गए, अगर पाखंडी गुरु है वो, कई बार ऐसा होता है, तो मान लीजिए आपको पता चला कि वो ऑलरेडी अवैध यौन संबंध में लिप्त है और बहुत सारे कुछ और भी क्राइम कर चुके हैं या जो भी है अभी, तो आपका दिल टूट जाएगा, क्योंकि गुरु के प्रति श्रद्धा जो है बहुत हाई होता है। तो इसलिए शुरुआत में, जैसे पुतना अभी शुरुआत में आई है, तो यही कि भक्ति की शुरुआत में
ही हमें बहुत चौकन्ना होना चाहिए, कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे पाखंडी गुरु ना मिले, मुझे प्रामाणिक गुरु मिले जिससे मेरा जीवन सुधर जाए और मैं भगवत धाम जाने के लिए ट्रेनिंग प्राप्त कर सकूं। तो इस प्रकार नहीं तो क्या होगा, जैसे बुद्धुना आती है और सब लोग उनको नहीं रोकते हैं और बाद में जब वो विकराल रूप धारण करते हैं सबको पता चल जाता है ना, भयभीत भी होते हैं। तो फिर बाद में जब विकराल रूप देखेंगे कि अच्छा ये तो भक्ति के अलावा कुछ और कर रहे हैं, तो फिर हृदय टूट जाएगा। तो बेस्ट है कि हम शुरुआत में ही चौकन्ना हो जाए। तो पुतना की कथा चल रही है, आज भगवान की षठी है, तो 6th day of birth। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है अभी छोटा बालक है, 6 दिन का। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के जो है साथ अपना बोलते, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, भगवान ने तो एक बार ब्रज में जब आग लगी थी तो पूरा आग पानी की तरह पी लिया था। तो क्या वो पी सकते हैं पानी की तरह आग को? एक अंगूठा भी रख सकते हैं जला हुआ, कुछ भी कितना देर रख सकते हैं? तो इसलिए भगवान नहीं हो सकते हैं जब तक कि प्रमाण गुरु साधु शास्त्र से हमें प्राप्त ना हो। और यहाँ पे भगवान 6 दिन के बालक क्या कर सकते हैं? एकदम असहाय होते हैं, माता पर डिपेंडेंट होते हैं, उसको दर्द भी होता है तो बोल नहीं सकता। और यहाँ भगवान स्वयं पुतना को अभी जो हम देखेंगे किस प्रकार जो है निधन करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान भले ही नन्हे बालक के रूप में लेटे हैं लेकिन वह ईश्वरी है, पूर्ण रूप से नन्हे बालक का रूप धारण करे, नन्हे बालक का वो जो है लीला करे या कुछ भी करे, वो पूर्ण रूप से ईश्वर है। इसका प्रमाण मिलता है जब वो पुतना को मार देते हैं। कृष्ण बालक के रूप में उतना ही पूर्ण है जितना एक विकसित युवक के रूप में होता है। तो मायावादी सिद्धांत तो ये बोलते हैं कि जीवात्मा प्रारंभ में जो है ईश्वर था पहले, मतलब मायावादी लोग सोचते हैं कि कोई भी भगवान बन सकते हैं और आत्मा भी जो हम लोग हैं पहले ईश्वर थे, फिर हम लोग भौतिक संसार में आ गए, माया से अभिभूत हो गए, फिर माया हट जाएगा तो फिर से ईश्वर बन जाएंगे। तो ये सिद्धांत जो है जीवात्माओं पर एक्चुअली लागू नहीं होता है। भगवान भगवान हैं और आत्माएं उनके अंश हैं, वो कभी भी भगवान नहीं बन सकते। तो भगवान जब देवकी वसुदेव के पास जन्म लिया तो तुरंत उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किया, वसुदेव को आज्ञा दिया कि मुझे नंद बाबा के वहाँ छोड़ के आओ। तो इसलिए भगवान चाहे 1 दिन का हो चाहे 6 दिन का हो, भगवान ही रहते हैं। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया यहाँ पे और पुतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वो पुतना को नहीं देखना चाहते। तो कई भक्त जो है इस बात पर अलग अलग व्याख्या देते हैं कि आखिर कृष्ण ने पुतना को देखकर आंखें बंद क्यों किया। तो कई लोग बोलते हैं कि पुतना क्योंकि डर भी गई थी, अरे ये कोई साधारण बालक तो है नहीं, ऐसा लग रहा है बहुत अद्भुत बालक है, तो पुतना के डर को कम करने के लिए ताकि वो अपना कार्य करे और कृष्ण उनका उद्धार करे, तो अपनी आंखें बंद करते हैं कि भयभीत मत हो। कुछ आचार्य लोग कहते हैं कि कृष्ण का वध जो है असुरों का संहार करने के लिए हुआ है, भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ है, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। तो लेकिन जब पहला पहला जो असुर है वो कौन थी? स्त्री, स्त्री बालक वृद्ध गाय ब्राह्मण, इनका वध नहीं किया जाता। तो ये शास्त्रों के उचित तो नहीं है। आपको याद है राम ने भी जब पहला वध किया था ताड़का, तो वो भी हिचकिचा रहे थे, स्त्री है मैं कैसे मारूं? आप सोचिए स्त्री है और मनुष्य को खा रहे पकड़ पकड़ के, उनको मारने के लिए भी सोच रहे थे क्योंकि वो स्त्री है, क्योंकि ये शास्त्र के अनुसार है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि नहीं ये राक्षसी, आप इनको मार सकते हो। तो ऐसे ही कृष्ण के पास आए तो फिर कृष्ण ने आंखें बंद कर लिया कि अब कोई चारा तो है नहीं है, क्योंकि ये स्त्री ऐसा नहीं है, स्त्री का कोई उसमें गुण है, स्त्री तो बहुत दयालु होते हैं, लेकिन ये तो राक्षसी है, मारना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो है वो आंखें बंद कर लिया और कोई चारा नहीं था। और दूसरी बात ये है कि ये भी व्याख्या करते हैं कि इसलिए कृष्ण ने आंखें बंद कर लिया था
क्योंकि उनको दाई माँ के रूप में या धाई माँ के रूप में कृष्ण देख रहे थे, क्योंकि वो स्तनपान कराने आए थे। तो भगवान क्योंकि बुराई नहीं देखते, अच्छा ही देखते हैं सबके अंदर, तो इसीलिए जो है तुरंत आंखें बंद कर लिया कि ठीक है, मेरी माता के रूप में मैं इसको स्वीकार करता हूँ और मैं दूध पीऊँगा, लाइक दैट। तो वैदिक मान्यता के अनुसार हमारे 7 प्रकार के माताएं होती हैं। एक तो सगी माता, जिससे हमारा बॉडी जन्म लेता है। दूसरा है गुरु की पत्नी, तो हमारी माता होती है गुरु माँ। तीसरी होती है रानी, जो राजा है उनकी वाइफ, सब पूरे देशवासियों की माताएं होती है। या ब्राह्मणी, जो ब्राह्मण होते हैं, समस्त ब्राह्मण जो है भगवान के शब्दों को लोगों तक पहुंचाते हैं, उनकी सारी स्त्रियां माता की तरह पूजनीय, वो माता है। और एक तो धाई माँ है, अर्थात माता के साथ साथ बड़ा करने में बच्चे को जो मदद करती है, ऐसी स्त्री को भी माँ माना जाता है। और पृथ्वी, जो पृथ्वी माता, जिन्होंने हमें जगह दे रखा है, जिनके अंदर जो भी उगते हैं वो हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, ये 7 प्रकार के माताएं हैं। तो क्योंकि पुतुना भले ही मारने की भाव से आए हो, लेकिन वो माता की तरह एक रूप धारण करके आई थी स्तनपान कराने के लिए, तो इसीलिए कृष्ण ने उसे अपने माता के रूप में स्वीकार कर लिया। कृष्ण इतने दयालु, कृष्ण की दयालुता हम यहाँ पे देखेंगे, इतने दयालु है। तो इसलिए जो है उन्होंने उनके प्रेम को स्वीकार किया, भले कि उसमें प्रेम नहीं था, लेकिन माता जैसा रूप धारण करने आई थी। तो हमें वेदों से ये जानकारी मिलती है कि पुतुना के साथ भी मातृवत व्यवहार किया गया और पुतुना को भी जो है गोलक धाम प्राप्त हुआ, और यशोदा माता के अंडर रहकर दाई माँ बनकर कृष्ण के साथ जो है लीला में भाग लेने का मौका मिला। तो कृष्णा कितने दयालु है हम इसमें देखते हैं, और लास्ट में हम इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो पुतना ने, अब कृष्ण ने आंखें बंद कर लिया, तो पुतना ने गोदी में उठा लिया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसने अपने मृत्यु को पकड़ रखा है। एक्चुअली कई बार धोखे से मनुष्य सांप को उठा लेते हैं, तो की रस्सी है करके अगर अंधेरे में, तो सांप दस देंगे, मर जाएगा। तो ऐसा ही था, तो किसी ने मना नहीं किया, ना यशोदा माता ना रोहिणी ने, इतनी सुंदर थी वो, और समझ भी नहीं पाए कि उसके अंदर कोई और ही एक्चुअली राक्षसी है। तो पुतना ने अपना जो है स्तनपान कराने लगी, तो कृष्ण ने जो क्या क्या विषयुक्त दूध तो पिया ही, और उस असुरिनी का दूध के साथ ही प्राण को भी चूस लिया। लेकिन कृष्णा इतने दयालु है कि माता का सा आचरण को भी माना, और जबकि वो बहुत दुष्ट स्त्री थी, फिर भी वो और अधिक दुष्ट कार्य ना करे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उसे मार डाला कि और भी बच्चों का वो वध करेगी, तो इसको मारना ही ठीक है। और जब ऐसा कर रहे थे, कृष्ण प्राण चूस रहे थे, तो वो बहुत जोर से चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो करके कृष्ण को फेंकना चाह रहे। कृष्ण कौन सा छोड़ने वाले थे, कृष्ण उनके छाती को पकड़े हुए थे और मुंह में दूध कर लिए हुए थे, और तब पसीना पसीना हो गई पुतना, और रोती होती चिल्लाई हुई जैसे पसीना पसीना होकर मर गई। और जब उसका वो रूप आ गया, फिर एकदम विकराल राक्षसी रूप, तो फिर कंपन होने लगा पृथ्वी में और चारों ओर, और ऐसे जोर से गिरी कि कंपन हो गया, जैसे ऐसा लगा कोई वज्रपात हुआ, इतना जोर से गिरी। और ऐसे गिर पड़ी जैसे वित्रासुर, वित्रासुर का भी बहुत बड़ा जो है उनका शरीर था, तो ऐसे विशाल जैसे कोई गिर जाता है, तो ऐसे जैसे कोई पहाड़ गिर गया ऐसा लग रहा था। और उनका शरीर इतना बड़ा था, आप सोच सकते हैं कि 12 मील्स तक, 12 माइल्स, नॉट किलोमीटर्स, 12 माइल्स तक फैला हुआ था, और जितना उनके नीचे वृक्ष या कुछ भी आया वो चूर चूर हो गया। सब लोग ऐसे विशाल शरीर को देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई
पता नहीं इतना बड़ा क्या पहाड़ जिससे कोई गिर गया ऐसा। तो जब गोपियों ने देखा कि अरे कृष्ण तो अभी इनकी गोदी में थे, अब क्या होगा, बहुत घबरा गए। लेकिन जब देखा अरे कृष्ण तो खेल रहे हैं निर्भयता पूर्वक पुतना की गोदी में, और पुतना का सौभाग्य देखिए कि उनकी गोदी में खेल रहे हैं भगवान। पूर्व जन्म में वो बलि महाराज के घर में थी पुतना, और जब बामन अवतार को देखा तो उनके हृदय में, बामन छोटा रूप है बौना रूप जैसा, तो उनको बहुत प्रेम आया और सोची कि ये मेरे पुत्र होते काश। तो भगवान ने वो भी भाव ग्रहण किया। और बाद में जब बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया गया, तब उसने ऐसे सोचा कि अगर मेरा पुत्र, मैं इसको पुत्र भी होता तो मैं विष पिला देती, इतना कपटी है करके। तो भगवान ने वो भी स्वीकार किया। तो इस जन्म में उन्होंने दोनों इच्छा पुतना की पूर्ण किया, उन्होंने विष भी पिला दिया उसने और दूध भी पिला दिया माता के रूप में। लेकिन भगवान दयालु हैं तो इसलिए भगवान ने उनको माता का जो भाव है उसको स्वीकार किया। तो माता यशोदा रोहिणी जो वृद्धा गोपियाँ हैं, जो कृष्ण के कृष्ण को अपना जो है पुत्र मानते हैं, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत वहाँ पहुँचे और कृष्ण को उठा लिया पुतना की गोदी से। और मृत्यु के समय कृष्ण का स्पर्श करते हुए कृष्ण गोदी में है, और इस तरह से पुतना का शरीर अंत होता है। तो आपको पता है कि मुक्ति कैसे नहीं होगी। तो फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे जो है माताएं क्या करती है, यशोदा माँ और बाकी वृद्ध माता है, कृष्ण को गोमूत्र से नहलाया और गोबर का लेप लगाया, गाय की परिक्रमा किया और गाय के पाँव के नीचे का जो धूल है, गोखुड़ है, वो कृष्ण के ऊपर छिड़का गया। क्योंकि यही तरीका है बच्चों को अशुभ घटना से बचाने के लिए। तो ये भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवतम कि गाय का कितना महत्व है हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, प्राणी मात्र के लिए। क्योंकि कृष्णा तो कृष्ण के दिव्य शरीर की कोई संरक्षण की आवश्यकता नहीं, वो सबके संरक्षक है। लेकिन फिर भी गोमूत्र से नहलाया गया। तो पंचगव्य स्नान होता है, एक पांच प्रकार का स्नान होता है। जैसे कि पंचगव्य स्नान होता है गाय के जो पांच चीजें हैं उससे नहलाना, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, है ना। और एक स्नान होता है गोधूली स्नान, गाय जब, लाखों लाखों गाय है कृष्ण के वहाँ, तो जब घर आते थे तो धूल उड़ता था, है ना, सीमेंट का तो सड़क नहीं होता था ना पहले, तो वो धूल बहुत पवित्र करते हैं हमको, हमारे सारे नेगेटिव एनर्जी भाग जाता है। तो अगर ऐसा कोई उस धूल में नहाए तो उसको बोलते हैं गोधूली स्नान। एक होता है वरुण स्नान, जो आप जैसे पानी में नहाते हैं ना नॉर्मल पानी से, तो वरुण स्नान होता है। एक होता है दिव्य स्नान, जब आसमान में धूप भी होता है और बारिश भी होती है तो उस स्नान को कहते हैं दिव्य स्नान, तब जब अगर कोई नहाए। और एक होता है मंत्र स्नान, अर्थात ऐसे ऐसे खुद को मंत्रों से पवित्र करते हैं, हाथ के इसमें पानी लेते हैं थोड़ा सा और मंत्र उच्चारण करते, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यत्स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतर शुचिः। श्री विष्णु श्री विष्णु करके ऐसे मंत्र स्नान भी किया जाता है, कई बार इमरजेंसी में भी किया जाता है, जैसे आप बाहर है और आपको शुद्धिकरण करना है। तो इस प्रकार जो है अलग अलग प्रकार के स्नान होता है। तो इस तरह से शुद्धिकरण संस्कार किया कृष्ण का गोमूत्र से, गोबर से, गोखुर से, और फिर विष्णु का नाम उच्चारण किया। क्योंकि पहले की माताएं जानती थी कि बच्चों को कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाता है, तो बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करना चाहिए। तो 3 बार आचमन किया, जल का आचमन किया, जैसे कि मंत्र उच्चारण करने के पहले ये रिवाज है, और उसके बाद मंत्र उच्चारण किया किस प्रकार से, हे कृष्ण मणिमान भगवान, आप आपकी घुटनों को और भगवान यज्ञ आपकी जांघों को रक्षा, जांघों की रक्षा करें। सब भगवान का नाम है मणिमान या यज्ञ, अज नाम से विख्यात भगवान विष्णु आपके पावों की रक्षा करें। एक एक अंग के लिए भगवान का नाम उच्चारण किया जा रहा है। आप देखिए
भगवान अच्युत आपके कमर के ऊपरी भाग की और भगवान हयग्रीव आपके उदर की रक्षा करे, केशव आपके हृदय की रक्षा करे, भगवान ईश आपकी वक्ष स्थल की रक्षा करे, भगवान सूर्य आपकी गर्दन की और भगवान विष्णु आपकी भुजाओं की रक्षा करे, भगवान उरुक्रम आपके मुख की रक्षा करे, भगवान ईश्वर आपके सिर की रक्षा करे, भगवान चक्रधर आपके आगे से तथा भगवान गदाधर आपके पीछे से रक्षा करे, धनुषधारी भगवान मधुसूदन आपकी दाई ओर से और भगवान अर्जुन आपकी बाई ओर से रक्षा करे, भगवान उरुगाय आपके शंख से आपकी सभी ओर से रक्षा करे, भगवान उपेंद्र आपके ऊपर से रक्षा करे, भगवान तारक्ष पृथ्वी पर आपकी रक्षा करे, भगवान हलधर आपके चारों ओर से रक्षा करे, भगवान ऋषिकेश आपके समस्त इंद्रियों की रक्षा करे, भगवान नारायण आपके श्वास की और श्वेतदीप के स्वामी नारायण आपके हृदय की, योगेश्वर मन की रक्षा करे, प्रश्नि गर्भ आपकी बुद्धि की रक्षा करे, भगवान आपकी आत्मा की रक्षा करे, आपके खेलते समय बच्चे खेलते हैं तो भगवान गोविंद आपकी चारों दिशाओं से रक्षा करे, और हे कृष्ण आप जब सो रहे हो तो भगवान माधव आपके सारे संकटों से रक्षा करे, तो आप जब चल फिर रहे हो तो वैकुंठ के स्वामी आपको नीचे गिरने से बचाए, बच्चा बार बार गिर जाते हैं नीचे, राइट, चोट लग जाती है तो बोलते हैं आपको बचाए, आप जब बैठे हो तो भगवान नारायण आपको सारी सुरक्षा प्रदान करे, और जब आप खा रहे हो तो समस्त यज्ञों के स्वामी आपकी सभी प्रकार से रक्षा करें। तो हर एक एक्टिविटी में हर एक अंग की रक्षा के लिए जानती थी यशोदा माता कैसे रक्षा करना चाहिए बच्चों की, और पहले माता ऐसे ही रक्षा करती थी। तो इस तरह माता यशोदा श्री कृष्ण के लिए भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने लगी, जो कि भगवान स्वयं ही है। फिर भी माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वे अपने पुत्र को इस प्रकार दाकिनी, यातुधानी, कुष्मांद, यक्ष, राक्षस, विनायक, कोटरा, रेवती, चेष्टा, पुतुना, मातृका, उन्मादो, समस्त भूत प्रेतों से रक्षा कर सकती है, क्योंकि ये लोग जो है कष्ट पहुंचाते हैं, तो ये लोग कभी कभी जो है स्वप्न में भी आते हैं और उत्पात मचाते हैं, और कभी कभी वृद्धा स्त्रियों के रूप में प्रकट होकर नन्हे मुन्ने बालकों का रक्त चूसते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, तो ये नज़र क्या है? तो बुरी जो भी शक्तियाँ हैं उससे रक्षा के लिए हर माता को जो है बच्चों के लिए भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करना चाहिए, इस प्रकार गौमूत्र से नहलाना, ये सब करना चाहिए। तो माता यशोदा क्योंकि भगवान के भक्तिन थी तो उनको शास्त्रों की बातों पर 100% भरोसा था, तो शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार उन्होंने पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए स्वयं भगवान की ही शरण ग्रहण किया और विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया। तो वृंदावन के जो वयस्क गोपिकाएं थे वो कृष्ण प्रेम में इतना लीन थी कि कृष्ण को हर तरह से बचाना चाहती थी, और विष्णु मंत्र से उनकी रक्षा कर लिया ऐसा उनको लगा, जबकि विष्णु स्वयं उनके गोद में ही है कृष्णा। तो जब नंद बाबा आ रहे थे तो उस समय वो घटना हुई थी, तो नंद बाबा जब आए तो देखा रे इतना विशाल राक्षसी का शरीर स्तंभित हो गए, बहुत लोग मथुरा मतलब बहुत लोग जमा हो गए जो मथुरा गए हुए थे कुछ लोग, और मृत शरीर को देख कर स्तंभित हो गए, और नंद महाराज को वसुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई कि उन्हें एक वो ऋषि योगी मानने लगे कि वसुदेव को कैसे भविष्य पता था, उनकी बात सत्य हो गया और इतने बड़े जो है मुसीबत से वो बच गए कृष्णा। तो पुतना का विशाल शरीर था तो उसको जलाना तो था, वैसे तो नहीं छोड़ सकते थे ना, तो उनको बहुत छोटा छोटा टुकड़ा किया गया ताकि जला सके, और लकड़ी की चीता बनाया और पुतना का शरीर जल रहा था, जल रहा था तो ऐसा खुशबू आ रहा था जैसे कोई धूप बत्ती का आता है ना अगरू का खुशबू, तो ऐसा खुशबू आ रहा था। तो लोग पूछ रहे थे, जान रहे थे कि अरे ये खुशबू कहाँ से आ रहा है, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि भगवान ने पुतना पर दया किया था, पुतना का शरीर से दूध भगवान ने पिया, माता रूप में देखा, भगवान का दर्शन होकर पुतना का मृत्यु हुआ, भगवान का स्पर्श हुआ, और बाकी असुरों को तो ब्रह्म ज्योति प्राप्त होता है, पुतना को तो गोलक धाम प्राप्त हो गया,
तो उनके शरीर जो है दिव्य बन चुका था, और इसलिए जब उस शरीर को दाह संस्कार किया गया क्योंकि तो ऑलरेडी पवित्र हो चुका था, तो इतना अच्छा खुशबू आ रहा था उनके शरीर से। तो आप देखिए, ये निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की सेवा में थोड़ा सा भी कोई शक्ति लगाते हैं तो इतना दिव्य लाभ मिला पुतना को, क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने कहा है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा ही भगवान भक्ति की करने से हमें बहुत बड़े जो भी संकट है, बहुत बड़े भय से मुक्ति मिलती है, थोड़ा सा भी भक्ति करने से। तो इसलिए जो है हम देखते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी जन्म होते ही चले गए थे ना, जन्म होते ही वो चले जाते हैं वन में, क्योंकि वो ब्रह्मवादी थे, तो ब्रह्म में वो ध्यान लगाते थे। तो उनका ध्यान भंग करने के लिए कि भगवान की भक्ति योग सबको सिखाए, भागवत का प्रचार करे, उनका ध्यान भंग करने के लिए जो है दो मंत्र व्यास देव जी देते हैं अपने शिष्य को कि ये दो श्लोक बोलना भागवत से, और कुछ नहीं बोलते। तो पहला श्लोक तो भगवान के स्वरूप का, सुंदर रूप का वर्णन था। जब ध्यान मग्न थे सुखदेव गोस्वामी, तो व्यासदेव के शिष्य उनके सामने गाते हैं, बढ़ा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनककपीशम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रनवेणुर् अधरसुधया पुरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावृषद्गीतकीर्तिः। तो ये सुंदर भगवान का रूप देख के, कि मोर पंख धारण किए हुए, कान में फूल लगाया हुआ है, वैजयंती माला पहने हुए है, गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे गयों के साथ, और सुंदर स्वरूप का वर्णन सुनकर सुखदेव गोस्वामी का जो है आँख आधा खुल जाता है, ध्यान भंग हो जाता है, कौन है इतना सुंदर, तो आधा आंखें खुला रह जाता है। फिर सोचते हैं कि सुंदर कोई हो सकता है, पर सुंदरता होने का ये मतलब नहीं कि उनके स्वभाव भी बहुत सुंदर हो, तो फिर आंखें तुरंत बंद कर लेते हैं। फिर दूसरा श्लोक गाते हैं व्यासदेव के शिष्यगण जो पुतना से रिलेटेड है। तो आज हम इस श्लोक के साथ आज की कथा समाप्त करेंगे। तो श्लोक है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापयततपीय साध्वी लेभे गतिं धात्री उचितं ततुन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इसमें भगवान का स्वभाव का वर्णन था कि जो असाध्वी असुर, एक आसुरिक स्त्री स्तन में विष लगाकर विष पिलाने आई थी दूध के नाम पर, उसको गोलक धाम प्रदान किया, अब ऐसे दयालु और कौन होंगे जिसके शरण में हम जा सके। तो जैसे ही भगवान के स्वभाव के बारे में सुना, तो सुखदेव गोस्वामी का पूरा पूरा जो है समाधि टूट गया, और उनको पूछने लगे कि आपको ये श्लोक किसने सिखाया, बोलते हमारे गुरु ने। तो बोलते चलिए मुझे गुरु के पास ले जाइए, तो पता चलता है उनके पिता ही है। तो फिर बाद में वो व्यासदेव जिसे पूरे भागवतम को श्रवण करते हैं, और बाद में वो परीक्षित महाराज को सुनाते हैं, और जिसके कारण आज हम भागवत कथा सुन पा रहे हैं या बोल पा रहे हैं। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है जो पुतुना के प्रति भगवान की जो दयालुता उसका प्रदर्शन करते हैं, कि ऐसे असाध्वी भी जब माता का रूप धारण करके आए तो कृष्ण ने उनके माता का रूप एक्सेप्ट किया और उनको गोलक में माता का रूप दिया। तो सोचिए, कोई अगर प्रेम पूर्वक कृष्ण से प्रेम करेंगे और सेवा करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो उनकी क्या गति होगी। तो इसलिए हमें इस पुतना वध कथा से, और जैसे कि आपने आज बताया कि छठी है भगवान की, तो इसमें हमें ये देखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कितने महान हैं, कितने दयालु हैं, और जब हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं
तो हमें प्रामाणिक गुरु प्रदान करते हैं, ददामि बुद्धि योगम त्वाम, बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि हम उनको प्राप्त कर सकें और अपने घर गोलक धाम वापस जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।